नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय मैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, जो कि घंटा घर साइड में खड़ा हूं। बाहर ये देख सकते हैं, ये बाहर का नज़ारा है और ये तिरंगा भी ये देख सकते हैं, बहुत ऊंचा है हमारे देश का। और ये है, ये देख सकते हैं, ये बाहर का नज़ारा है, घंटा घर साइड का है पूरा। यहाँ पर स्टैंड वगैरह है ये सब, यहाँ पर इधर भी स्टैंड है, कार वगैरह पार्किंग होती है। तो दोस्तों, आज की जर्नी होने वाली है कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज जंक्शन के लिए हम सफ़र करूँगा। और यहाँ से दोस्तों हम 145 रुपये का टिकट कटवाए हैं, जो कि कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज जंक्शन के लिए ऑफलाइन टिकट लिए हैं। ये 145 रुपया हमको लगा है, ये 145 रुपया है ये। और आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे गाड़ी हम लोगों को यहाँ से कितने बजे कानपुर से मिलेगी, जो कि कानपुर ये चौरा चोरी जो एक्सप्रेस है, जो कि अनवरगंज से चलती है और जाती है गोरखपुर तक के लिए। लेकिन हम लोग तो प्रयागराज तक ही सफ़र करेंगे, जो कि कानपुर से चार, वहाँ से अनवरगंज से 4:40 पे चलने का इसका टाइमिंग है और कानपुर सेंट्रल पे 4:50 पे आती है, और जो कि 10 मिनट यहाँ पे रुकते हुए 5 पे यहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद बाकी ये स्टॉपेज इसका यहाँ पे है, बिंदकी रोड स्टॉपेज है, फतेहपुर में स्टॉपेज है, 6:10 पे फतेहपुर पहुँच जाएगी और खागा में 6:40 पे पहुँच जाएगी, 7 बजे सिराथू पहुँचेगी और भरवारी 7:28 पे है, प्रयागराज जंक्शन 8:55 पे ये पहुँच जाएगी, और जो कि यहाँ वहाँ से 9:10 पे निकल जाएगी गोरखपुर के लिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए, यहाँ से आप लोगों की जर्नी यहाँ से दिखाते हैं। और आप लोगों को ट्रेन नंबर बता दूँ, ट्रेन नंबर है 15003 है चौरा चौरी एक्सप्रेस का। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आइए यहाँ से कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज जंक्शन तक का सफ़र कराते हैं और दिखाते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, फिर ऐसे ही आप लोगों को मज़ेदार वीडियो दिखाता रहूँगा। आइए चल के देखते हैं दोस्तों, ये बाकी गाड़ियाँ ये सब बता रहे हैं बाहर, ये देखिए कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही है, दिखाई दे रहा है। तो इसी लिफ्ट द्वारा चलेंगे हम लोग, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर चलेंगे, आज 6 नंबर पर आ रही है गाड़ी। तो आइए दोस्तों, फिर चलते हैं। ये हम लोग आ गए, आ गए दोस्तों ऊपर। छह नंबर पे हम लोग चलेंगे। आप कौन है, अपना परिचय तो नहीं बताएं? दोस्तों, मैं अखिल कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल प्रयागराज ऑफिशियल अपडेट। मैं साथ में आया था भैया के साथ कानपुर घूमने, विजिट करने कुछ काम से। तो दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे, यात्रा करेंगे, हम दोनों लोग साथ में हैं, हम हैं और अखिल हैं। दोस्तों, तो हम लोग 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कानपुर सेंट्रल पे चौरी चौरा में सफ़र करने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म है ये, जिस पे हम लोग चल रहे हैं। और वो देख सकते हैं, वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म उधर 5 नंबर है उधर, उधर 5 नंबर है और उस तरफ 7 नंबर है। तो हम लोग 6 पे चल रहे हैं। ये देखिए, ये दुकानें हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में हमारी लोग की ट्रेन आने वाली है चौरी चौरा एक्सप्रेस जो। दोस्तों, हमारी ये गाड़ी आ गई चौरी चौरा एक्सप्रेस, जो कि हमारे लोग का S5 में है। ये देखिए गाड़ी आ गई है। और जो कि हमारे लोग का S5 में है, S5 यहीं से लगेगी। ये S4 है और S5 आ गया।
हम लोग इसी में चलेंगे फटाफट। आइए कि ये दोस्तों गाड़ी चल चुकी है हमारे लोग की कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज के लिए। हम लोग सफ़र करने के लिए तैयार हो गए हैं, गाड़ी चल चुकी है। देखिए आइए अब अंदर बैठते हैं हम लोग। अपने सीट पे चल रहे हैं बैठने। ये सीट है, हमारे साथ वाले अखिल जी बैठे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से सफ़र करेंगे प्रयागराज तक का, आप लोगों का सफ़र कराते रहेंगे। दोस्तों ये गाड़ी चल चुकी है, देख सकते हैं हम लोग अंदर बैठे हुए हैं। ठीक, झटकाश व्यू जा रहा है, देख सकते हो आप लोग गाड़ी एकदम चल रहा है फास्ट की स्पीड में। जो कि थोड़ी देर में हम लोग जिंदगी रोड स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जो कि फतेहपुर में लगाता है जिंदगी रोड। देखिए बहुत ही क्लीन व्यू जा रहा है दोस्तों। जब से अभी गाड़ी कानपुर चली अभी स्टॉपेज नहीं की है, अगला स्टॉपेज आने वाला है जिंदगी रोड। देखिए एक स्टेशन ये रास्ते में ये भी पड़ चुका है, देखिए कितना क्लीन बेहतरीन व्यू जा रहा है दोस्तों। दोस्तों ये बिंदकी रोड स्टेशन हम लोग ये पहुंचने वाले हैं, तो देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल चलने के बाद बिंदकी रोड पे ही गाड़ी रुकती है चौरी चौरा एक्सप्रेस, और ये बिंदकी रोड स्टेशन पहुंचने वाले हम लोग। ये देखिए बिंदकी रोड हम लोग आ गए, क्योंकि ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है स्टेशन। ये देखिए दोस्तों बिंदकी रोड स्टेशन हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे गाड़ी स्टॉपेज होने वाली है। ये देखिए और ये इस तरफ का नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों सिग्नल ग्रीन हो चुका है, गाड़ी चल चुकी है हमारी। आइए अगले स्टेशन का इंतज़ार करते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग फतेहपुर स्टेशन पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया फतेहपुर स्टेशन। देखिए यहाँ पे गाड़ी रुकेगी दो मिनट के लिए। ये फाटक है यहाँ का फतेहपुर का।
ये फतेहपुर आ गया। इसके बाद अगला स्टेशन खागा होने वाला है। और बगल में होटल भी है दोस्तों, यहाँ पे फतेहपुर में आप रुक सकते भी हैं अगर स्टेशन पे कभी आते हैं तो। ये स्टेशन है ठंडा पानी लगता है। अब गाड़ी रुकने वाली है, रुकेगी 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर चलेगी, फिर अगले स्टेशन पे आप लोग को दिखाएंगे। अगला खागा स्टेशन होने वाला है। और ये फतेहपुर स्टेशन का इस तरफ का नज़ारा था भाई, अभी गाड़ी हमारी इस तरफ लग गई है, नहीं तो हम उतर के उस तरफ दिखाते, तो इस वजह से इधर लगी है तो इधर का नज़ारा दिखा दे रहे हैं। ये देखिए रेल खान पान की दुकान भी है यहाँ पे, ये बैठने की सुविधा है। ये देखिए ये अपनी गाड़ी है जिस पे हम लोग सफ़र कर रहे हैं। फाइनल हो चुका है गाड़ी का फतेहपुर से, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ करते हैं फतेहपुर से। अगला स्टेशन खागा होने वाला है, तो खागा पे भी पहुँच के वहाँ पे वीडियो दिखाता हूँ खागा स्टेशन का। ये गाड़ी डिपार्चर हो चुकी है फतेहपुर से। आइए फिर तो दोस्तों अंदर चलते हैं अपनी सीट पर, मिलते हैं अगले स्टेशन पर खागा पे, वहाँ का भी कुछ वीडियो दिखाते हैं खागा स्टेशन का। दोस्तों ये खागा स्टेशन पे हम लोग आ गए हैं। फतेहपुर से चलने के बाद गाड़ी जस्ट खागा में ही आ गई है। यहाँ पे भी स्टॉपेज है इस गाड़ी का चोरी चोरा का, खागा में भी देख सकते हैं पैसेंजर बैठने के लिए खड़े हैं सर। शिवरात्रि स्टेशन पे आ गए दोस्तों, ये देख सकते हैं शिवरात्रि स्टेशन। शिवरात्रि से गाड़ी डिपार्चर कर चुकी है दोस्तों, शिवरात्रि स्टेशन है। अगला स्टेशन भरवारी आने वाला है, इसके बाद प्रयागराज जंक्शन आएगा। और यहाँ से आप लोग कड़ा धाम भी जा सकते हैं सिराथू से, यहाँ से उतर के देखिए बोर्ड लगा हुआ है, कड़ा धाम जाने के लिए सिराथू उतरना पड़ता है। ये देखिए सिराथू स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, लाइट कट गई यहाँ से बंद हो गया, आ गया फिर से। दोस्तों भरवारी स्टेशन पर हम लोग आ चुके हैं, इसके बाद अगला स्टेशन प्रयागराज जंक्शन होने वाला है। ये है भरवारी स्टेशन।
भरवारी स्टेशन पर गाड़ी अराइवल कर चुकी है दोस्तों। इसके बाद अगला स्टॉपेज है प्रयागराज जंक्शन। भरवारी स्टेशन दोस्तों, यहाँ पे भी इसका स्टॉपेज है चौरी चौरा एक्सप्रेस का। इसके बाद अगला स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन होने वाला है। फिर उसके बाद आपको प्रयागराज जंक्शन का वीडियो दिखाएंगे हम। आइए थोड़ा सा बाहर दिखा देते हैं भरवारी स्टेशन का। ये देखिए दोस्तों, ये है भरवारी स्टेशन का। तो गाड़ी डिपार्चर कर चुकी है भरवारी स्टेशन से। चलिए अंदर बैठते हैं। सूबेदारगंज स्टेशन है दोस्तों। सूबेदारगंज हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि चौरी चौरा से सफ़र कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है चौरी चौरा का सूबेदारगंज में, जो कि ये भरवारी से गाड़ी चली है तो डायरेक्ट प्रयागराज जंक्शन स्टॉपेज है। तो गाड़ी थोड़ा धीमी हुई है यहाँ पे। प्रयागराज जंक्शन पर गाड़ी अराइवर कर चुकी है, और जो कि यहाँ पे 8:55 टाइमिंग है चौरी चौरा एक्सप्रेस का आने का प्रयागराज जंक्शन पे। ये देखिए गाड़ी चौरी चौरा एक्सप्रेस अराइवल कर चुकी है। और आज का सफ़र दोस्तों बस इतना ही। हम कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज जंक्शन तक का सफ़र कराया है आप लोगों को। जहाँ जहाँ पे गाड़ी रुकी वहाँ वहाँ का पूरा वीडियो दिखाते हुए आप लोगों को लेके आए हैं। और आज की जर्नी दोस्तों बस इतना ही, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे गाड़ी अराइवल कर रही है। और गाड़ी जाती तो है ये गोरखपुर तक, लेकिन हमारा तो सफ़र यहीं तक ही था। ये देखिए ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म का है, जो कि बहुत ही अच्छा सुंदर स्टेशन है हमारे प्रयागराज का। बहुत ही क्लीन स्टेशन दिख रहा है प्रयागराज जंक्शन का, प्लेटफॉर्म नंबर 6 दोस्तों। और कुछ पैसेंजर यहाँ पे उतरेंगे भी और कुछ बैठेंगे भी। और हम लोग यहीं पे उतर के अपना गाड़ी हम लोग बाइक से आए हैं, जो कि स्टैंड में गाड़ी खड़ी की है। तो स्टैंड से गाड़ी लेके फिर चलेंगे हम लोग घर के लिए। फिर से आप लोगों को वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइएगा, इससे हमारा मनोबल मोटिवेशन बढ़ता रहे। आप लोगों को वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, अच्छे अच्छे वीडियो लाने का सोचता रहूँगा दोस्तों। और आप लोग बताइएगा फिर अगली जर्नी कहाँ से शुरू करूँ। तो दोस्तों प्रयागराज जंक्शन पे ये गाड़ी अराइवल कर चुकी है और हम भी उतर चुके हैं। ये देखिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।